चैनल माइंड योर साइंस, आज मैं आपके साथ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप साइट पे देख रहे हैं, हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब जो बच्चे हमारे डिप्लोमा या फिर हमारे फार्मेसी करना चाहते हैं, उनका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर के अंदर, उसके लिए स्पेशल मैसेज है। और ये मैं आपको कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। और जो इसकी इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में मैं कल आपको सूचना दूंगा, पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन उनकी गाइडलाइंस आई हुई है, कि जिससे कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना आए। तो पहले तो मैं ये आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाऊंगा। जैसे कि आपने अपने गूगल क्रोम में या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं नेटवर्किंग के लिए, उसमें HSBTE टाइप करना है। और आप जैसे ही देखेंगे तो ये आपके सामने ये साइट खुल जाएगी जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। आपको लग रहा है पता, और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है सबसे पहले मेन मेन्यू है, एग्जामिनेशन है, और इसको मैं स्लाइड कर रहा हूँ। तो अब आपने यहाँ पर पहुँच जाना है अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट में आप देख रहे हैं HSBTE ऑनलाइन एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम सेप्टेम्बर 2000। आपने इस पे क्लिक करना है। ये थोड़ी सी साइट कई बार धीरे चलती है, स्लो चलती है, तो थोड़ा सा घबराना नहीं है। तो आप यहाँ देखें सितंबर एग्ज़ाम के लिए ये साइट आपके पास खुल जाएगी। मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियरिटी रहे। सितंबर 2020 एग्जामिनेशन, रजिस्टर्ड यूज़र एंटर योर लॉगिन डिटेल्स, यूज़र और ये पासवर्ड आई एम नॉट रॉबर्ट। तो ये आपने लॉगिन नहीं होगा आपसे, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो पेज खुलेगा इसके इसमें आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। सॉरी, न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो थोड़ा सा मैंने जैसा बताया कि ये थोड़ी साइट जो है लोड होने के कारण थोड़ी सी स्लो चल रही है, तो मैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 3 सितंबर को ये जो इसकी नोटिफिकेशन हुई, मतलब 3 से एडमिशन स्टार्ट होने के प्रोसेस चल गया हमारा, और इसमें जो है 9 तारीख को ही अपडेट आई थी। और इसमें आपने ऑनलाइन पेपर होना है, और इसमें आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, आपका मॉक टेस्ट होगा, और मॉक टेस्ट की तिथि वगैरह सब कुछ आपको वेबसाइट पे दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ पर ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट होगा उसमें से काफ़ी सारे जो प्रश्न है वो आपके फाइनल पेपर में भी आएंगे, ऑनलाइन ही आपका एग्ज़ाम होना है। और जब आप इसमें लॉगिन, अभी जैसे ये आप देख रहे हैं थोड़ी सी साइट स्लो है, तो आप थोड़ा सा, मैं इसीलिए बीच में जो सूचना है वो आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। तो ये डिप्लोमा कोर्स है हमारा, 3 ईयर कोर्स है, जिसके अंदर अभी जैसे ही हम इसमें साइट पर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें कोर्सेज दिए हुए हैं। थोड़ी सी साइट स्लो चल रही है जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ये इंस्ट्रक्शंस स्लो होने के कारण आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में ये रुक गया है। तो अब जैसे ही ये अभी खुलेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, तो उसी में ही मैंने आपको समझाना है। अब ये जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ मैंने जैसा बताया कि ये थोड़ी सी इस साइट पे अभी लोड होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले ये पेज खुल गया था, तो लेकिन अभी जैसा नहीं खुल पा रहा है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और अब आपने सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपने अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद आपने फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर जब नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आएगा तो आप जब इस साइड वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे कॉलेजेस आपके पास खुल जाएंगे जो कि आपके जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे कॉलेजेस आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, और ये सब कॉलेजेस हैं अलग अलग जैसे हैं हमारे। तो जैसे हमने ये आप देख रहे हैं सारे कॉलेजेस इसमें लिखे हुए हैं, तो आप इसमें से कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करनी है। ब्रांच में जैसे आपके पास है एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, आर्किटेक्ट, सेरामिक, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग,
कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड सभी के जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये सभी आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, MLT एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे आप जब फिल कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। और इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ईमेल आईडी आपने वो भरनी है जो आपकी क्रिएटेड है, क्योंकि अगली बार जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपकी ईमेल एंड आईडी जो आप सेंड करेंगे भरेंगे तो उसी पे लिंक शेयर होगा और वहीं से लिंक से ही आपका जो रजिस्ट्रेशन मतलब आप आगे जब लॉगिन करोगे तो वो तभी खुलेगा। और इसके बाद ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है मोबाइल नंबर वो अपना हो आपके पास या फैमिली का हो, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी मैसेजेस वगैरह आएंगे वो सभी के सभी आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर आएंगे। और उसके बाद आपने ये एंटर कर देना है कैप्चा और उसके बाद क्रिएट द अकाउंट जब दबाएंगे तो आपके पास अकाउंट खुल जाएगा। तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो कि आप देख रहे थे आपके सामने है। तो इसमें से मैंने जो ज़रूरी बातें आपको बताई और कल मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा जिसके अंदर जो कंप्लीट इंफॉर्मेशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में, वो जो नोटिफिकेशन वहाँ से आया हुआ साइट से उसको आपके साथ पढ़कर शेयर करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अभी तक अगर चैनल को ऊपर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से जुड़े रहें लेटेस्ट से लेटेस्ट।